हेलो फ्यूचर आईआईटीएंस आईआईटीएंस डॉक्टर्स, हैप्पी संडे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में द कंडीशंस ऑफ एटवुड्स मशीन। जैसे कि एपिसोड वन में हम लोगों ने काफी बेसिक्स डिस्कस किए थे और वो खैर काफी लोगों को पता ही होंगे, आई होप। इवन जो 11th क्लास में भी हैं उनको भी इन सब चीजों का पहले से आइडिया रहा होगा। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं और कुछ ऐसी चीजों पे आते हैं जिसपे अपन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं। भाई, इक्वेशन तो हर जगह एक ही यूज होनी है, दैट इज समेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन इस इक्वेशन के इतने ज्यादा एप्लीकेशंस हैं कि दिस होल सीरीज कैन टेक मोर देन 20, 25 और 30 लेक्चर्स। वैसे तो कितने भी एपिसोड्स बनाना इस पे बनाए जा सकते हैं, कितने भी बनाए जा सकते हैं, बट अगर सारी चीजों को कवर किया जाए तो कम से कम 25 एपिसोड्स तो इस पे बनेंगे। तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो है एटवुड्स मशीन। और एटवुड्स मशीन एक ऐसा सेटअप है जिसमें कि एक फिक्स्ड सपोर्ट से एक मासलेस आइडियल पुली से हम लोग क्या समझते हैं, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, ठीक है। तो दिस इज एन आइडियल पुली विच इज मासलेस टू, ठीक है। इस मासलेस का भी सिग्निफिकेंस मैं बताऊंगा तुम्हें। और इसके दोनों तरफ आइडियल स्ट्रिंग से दो मासेस को सस्पेंड कर दिया जाए, दैट इज लेट्स से M1 एंड M2। माइंड यू, द स्ट्रिंग इज ऑल्सो आइडियल। आइडियल स्ट्रिंग खुद भी मासलेस होगी, ठीक है। स्ट्रिंग का मास अपन कंसिडर नहीं करके चलेंगे। इवन पूरी ही 11, 12 की फिजिक्स में हम लोग स्ट्रिंग को आइडियल मान के ही चलते हैं, उसको मासलेस मान के ही चलते हैं। स्ट्रिंग मतलब धागा, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इनएक्सटेंसिबल। कुछ केसेस फिजिक्स में आते हैं जहां पे एक्सटेंडेड स्ट्रिंग के भी केस आते हैं। जैसे हम लोग एक यूनिट पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्पेसिफिकली, जहां पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलाई ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे, यंग्स मॉड्यूलस फॉर सॉलिड्स, बल्क मॉड्यूलस फॉर लिक्विड एंड गैसेस, वो हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन इन दी क्लासिकल मैकेनिक्स यू विल बी लिमिटेड टू द केसेस ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, दैट इज आइडियल स्ट्रिंग, ठीक। क्वेश्चन में केस में हमेशा ये मेंशन होता है। तो ध्यान रहे, हम लोगों ने एक आइडियल पुली यूज किया है और एक ही धागा यूज किया है जो पुली के रोल ओवर होके दूसरी तरफ भी जा रहा है, और वो धागा भी आइडियल है, स्ट्रिंग इज आइडियल, एंड टू मासेस हैव बीन सस्पेंडेड, दैट इज M1 एंड M2 विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रिंग। Now, ये एटवुड्स मशीन बैलेंस्ड केस में कब रहेगा, जब M1 बराबर M2 रहेगा। When M1 equals M2, no mass moves, कोई मास किसी तरफ एक्सेलरेट ही नहीं कर रहा, बैलेंस स्टेट। बट जैसे ही डिफरेंस आ जाएगा M1 और M2 में, यहां पे एक्सेलरेशन इनके पास रेस्पेक्टिवली डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड आ सकता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन स्पेसिफिकली सेकेंड लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि पहले तो हम लोगों ने केस ले लिया, इफ M1 इज इक्वल टू M2 नो मास मूव्स। इफ M1 नॉट इक्वल टू M2, और मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें एक चीज ज्यादा माननी पड़ेगी, ठीक है। मान लो तुमने अज्यूम कर लिया, किसी को भी ज्यादा मान लो, मैं जैसे M1 को ज्यादा मान ले रहा हूं, अज्यूम M1 इज ग्रेटर देन M2, तो एनीबडी कैन टेल दैट दिस सिस्टम शुड मूव लाइक दिस। जो ज्यादा भारी मास है वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट करना चाहेगा और जो हल्का मास है वो ऊपर की तरफ ऑब्वियसली जाना चाहेगा। अब यहां पे क्योंकि हम लोगों को फिगर आउट करना है कि ये कितनी तेजी से मूव कर रहे होंगे, दैट मीन्स हाउ मच शुड बी देयर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स एंड अपवर्ड्स, टू कैलकुलेट इट वी विल अप्लाई द बेसिक सेकेंड लॉ। हम लोग मान के चलेंगे कि दिस इज मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए
एंड एम टू इज मूविंग विद एन एक्सिलरेशन ए टूवर्ड्स दी अपसाइड। क्लियर? अब यहां पे मासलेस पुली का कॉन्सेप्ट आता है। यहां पे पुली का रोटेशन इग्नोर किया गया है। मासलेस पुली इसका मतलब इस पुली का मास जीरो है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जीरो है। अभी कुछ लोग जो जस्ट 11th क्लास बिगिन किए होंगे उनको शायद एमआई का आइडिया नहीं होगा, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जो लोग वीडियोस देख रहे हैं मेरे, फॉलो कर रहे हैं मुझे, जो 12th में है, जो टारगेट बैचेस में है, वो जरूर समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि उन्होंने रोटेशनल मैकेनिक्स में भी शायद सुना हो कि ये पूरा का पूरा केस वहां पे आता है एडवर्ड्स मशीन, और वहां पे हम इसका मास भी कंसिडर करते हैं, इसका एमआई भी कंसिडर कर सकते हैं और इसका रोटेशन भी कंसिडर करते हैं। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग लिमिटेड हैं यहां पे कि दिस इज अ पुली विच इज मासलेस एंड टू मासेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम इट। दोनों तरफ टेंशन जो लग रही होगी वो टी लग रही होगी। वी अज्यूम द इक्वल टेंशन, बट इन रोटेशनल मैकेनिक्स वी विल अज्यूम डिफरेंट टेंशन हियर। आई विल एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है, वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। इन दीज केसेस क्योंकि धागा एक ही है पूरा का पूरा, सो टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग इज सेम थ्रू आउट एंड वी डू नॉट वरी अबाउट द रोटेशन ऑफ द पुली और मास ऑफ द पुली। अच्छा, एक और बात, हाउ टू लेबल, हाउ टू मेक फ्री बॉडी डायग्राम हियर। अगर एम वन का फ्री बॉडी डायग्राम ऊपर बनाए तो उस पर टेंशन टी ऊपर लग रहा होगा और एम वन जी दैट इज वेट ऑफ एम वन नीचे लग रहा होगा। M2 पे टेंशन T, क्योंकि धागा जो है टेंशन फोर्स इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, तो इसको भी ऊपर की तरफ पुल करेगा और इसका वेट नीचे की तरफ लगेगा। अब यहां पे अपन पुली का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इंटरेस्टिंग है। देखो, पुली दो धागों की मदद से फिक्स्ड है, ठीक है, एक तो ये धागा, एक ये पूरा का पूरा धागा है। सिंस टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, जो ये धागा रोल ओवर हुआ है वो इस पर टेंशन टी नीचे लगा रहा होगा, इस पर भी टेंशन टी नीचे की तरफ ही लगा रहा होगा, और इस धागे में टेंशन कितना लगना चाहिए, 2T ऊपर की तरफ। इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग द टेंशन शुड बी 2T टूवर्ड्स दी अपसाइड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पुली मूव ही नहीं कर रहा है, पुली का वेट नीचे की तरफ भी नहीं है क्योंकि पुली इज मासलेस, यू आर कंसिडरिंग इट एज आइडियल। दैट मींस अगर पुली फिक्स है तो न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग उसका एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो अगर 2T फोर्स इस धागे की वजह से उस पर नीचे की तरफ लग रहा है तो इस धागे को 2T ऊपर की तरफ लगाना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा और डीप में जाए तो अगर मैं फिक्स्ड सपोर्ट पे भी फोर्स देखूं, इंटरेस्टिंग है, फिक्स सपोर्ट पे जो इस धागे की वजह से फोर्स आ जाएगा वो 2T नीचे की तरफ आ जाएगा। एक बेयरिंग टेंशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। अगर ये 2T, जैसे मान लो सवाल में दिया हुआ है कि द वॉल कैन बियर अ टेंशन ऑफ लेट्स से 200 न्यूटन्स और 2T आ जाता है 300 न्यूटन्स, तो ये सेटअप यहां रह ही नहीं सकता, ये नीचे गिर जाएगा। फिक्स सपोर्ट पे भी धागा कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा है। तो ऐसे कॉन्टेक्ट पॉइंट्स को अगर अपन एनालाइज करें तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत इजीली बना सकते हैं। दीज आर द FBDs, ठीक है, ओके। सो नाउ देखो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में वंस यू हैव मेड द करेक्ट FBDs ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, तुम्हारा 80% सवाल अब सॉल्व हो चुका है। अब तुम्हें करेक्टली न्यूटन के सेकेंड नियम को अप्लाई करना है और कैलकुलेशंस अपनी ठीक ठाक रखनी है एंड तक। तो यहां पे ये जो पूरा केस है वो लगभग 75-80% तक खत्म हो चुका है। अब हम लोग को यही एनालिसिस करना है कि इनकी इक्वेशंस को कैसे अप्लाई किया जाए। तो जो लोग तो पहले कर चुके हैं वो लोग रिवाइज कर सकते हैं इसको, लेकिन जो लोग अभी जस्ट 11th में बिगिन कर रहे हैं उनके लिए ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई भी कैसे करना है। तो पहले अगर मैं इस मास को सेलेक्ट कर लूं, दैट इज M1 को, M1 को अज्यूम किया है हम लोगों ने कि वो नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से, उसका वेट भी नीचे की तरफ लग रहा है M1G, लेकिन टेंशन धागे की वजह से उसको ऊपर की तरफ लग रहा है।
बच्चों समझो, एम ए इज नॉट अ फोर्स, नॉट एन इंडिविजुअल फोर्स. एम ए इज नॉट एन इंडिविजुअल फोर्स, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, ये मेरी थोड़ी टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन करने की. एम ए इज नॉट एन इंडिविजुअल फोर्स, एम ए इज द नेट फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाई अदर फोर्सेज और एजेंसीज. बाकी फोर्सेज और बाकी एजेंसीज, दैट इज दलाल जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो एम ए को प्रोवाइड करवाते हैं. एम ए कोई ऑब्जेक्ट का, कोई बॉडी का लगता हुआ फोर्स नहीं है, इट इज बेसिकली अ नेट फोर्स. गेटिंग इट? जैसे इस केस में इफ वी वॉन्ट टू राइट एम वन ए, तो नेट फोर्स किसकी तरफ आ रहा है? नीचे की तरफ. तो डोमिनेटेड फोर्स कौन होना चाहिए? एम वन जी. और उससे कम कौन होना चाहिए? टी. और टी एम वन ए को अपोज करना चाहिए और एम वन जी एम वन ए को सपोर्ट करना चाहिए. इसका मतलब अगर हम लोग इक्वेशन करेक्टली लिखे न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, तो एम वन ए विच इज द नेट फोर्स इज टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस, दैट इज एम वन जी माइनस टी. इक्वेशन वन. थोड़ी क्लैरिटी के लिए मैं ये सब बिठा रहा हूं. सेकेंडली लेट्स लुक एट एम टू की कंडीशन. एम टू बेचारा ए से ऊपर जा रहा था, उस पर धागे का टेंशन टी ऊपर की तरफ और उसका खुद का वेट नीचे की तरफ लग रहा था. ठीक है, अगर इसके लिए हम लोग को इक्वेशन लिखनी हुई तो व्हाट वी कैन राइट? ऊपर की तरफ नेट फोर्स एम टू ए, ऊपर की तरफ डोमिनेंस किसका है? टेंशन का. टेंशन सपोर्ट कर रहा है एक्सेलरेशन. एम टू जी अपोज कर रहा है. इक्वेशन टू. इस पूरे सिनेरियो में हम लोगों को M1 M2 पता था. जी तो उधार का घूम रहा है दुनिया में, 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वैल्यूज हम लोगों को पता है. तो हम लोगों ने इस पूरे सिचुएशन में अज्यूम क्या किया? एक तो एक्सेलरेशन, इसका ऊपर की तरफ और इसका नीचे की तरफ और सेम, दैट इज ए. क्यों ए अज्यूम किया? क्योंकि धागे की लेंथ नहीं चेंज हो रही है, धागा इनएक्सटेंसिबल. और दूसरी चीज क्या अज्यूम की है? द टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो मेरे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं और इसका मतलब यह है कि अपन इजीली एलिमिनेट करके दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो लेट्स ट्राई टू ऐड दीज इक्वेशंस. 1 प्लस 2 क्या मिले हम लोग को? एम वन ए प्लस एम टू ए. टी टी कैंसिल. एम वन जी माइनस एम टू जी. ए कॉमन आ जाएगा यहां से. ए विल बी इक्वल टू एम वन माइनस एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू इन टू जी. इस टर्म को मैं कह सकता हूं कि आप जनरल में इसको याद भी रख सकते हैं. काफी कम चीजें मैं फिजिक्स में बोलता हूं जो याद रखने के लिए हैं, ये आप याद कर सकते हैं. और इसमें ये भी आप दिमाग में रख के चल सकते हैं कि एम वन इज ग्रेटर देन एम टू. ठीक है, अगर एम टू ग्रेटर देन एम वन हो जाएगा तो ये सिनेरियो पलट जाएगा. एम टू माइनस एम वन अपॉन एम टू प्लस एम वन इन टू जी. सिमिलरली इस ए की वैल्यू को हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें तो हम लोग को टेंशन में मिल जाएगा. मतलब टेंशन दिमाग में नहीं, टेंशन इसमें. 2m1 m2 g अपॉन m1 प्लस m2. ये भी फॉर्मूला ठीक ठाक सा इंपॉर्टेंस रखता है न्यूटन्स लॉ. तो इस पे सवाल तो बड़े इजी से बन जाते हैं सिंपल वैल्यूज पुट करके, उसको हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये पूरा का पूरा सेटअप आप लोगों को समझ में आया. दिस वीडियो माइट हैव हेल्प यू अलॉट. सो इस सीरीज का जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भी आएगा विद इन 24 आवर्स. सो स्टे मोटिवेटेड. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.